हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्म बीट और मैं हूं आपके साथ कृतिका। शहनाज गिल का गाना कुर्ता पजामा जो कि कल रिलीज हुआ, ये गाना एक ही दिन में कई रिकॉर्ड तोड़ रहा है। जी हाँ, यही नहीं, इस गाने ने नया रिकॉर्ड भी कायम कर दिया है। टोनी कक्कड़ और शहनाज पर फिल्माया गया ये गाना अब तक एक दिन में ही महज 9 मिलियन व्यूज हासिल कर चुका है, जो कि अपने आप में बड़ी बात है। इस गाने ने सुशांत सिंह के गाने तारेगिन को भी पीछे छोड़ दिया है। इससे भी मजेदार बात यह है कि शहनाज और टोनी का जो ये गाना है, ये फैंस को बेहद पसंद आ रहा है। हालांकि ये गाना इतना बड़ा ड्यूरेशन का नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इस गाने को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। शहनाज का जो अंदाज है वो काफी हटकर है, फैंस को पसंद आ रहा है। यही नहीं, इस गाने में शहनाज गिल बोल्ड अंदाज में नजर आ रही हैं, जो कि काफी अल्टीमेट भी लग रहा है। और इस गाने की खास बात यह है कि इस गाने को अभी तक 602K लाइक्स मिल चुके हैं, जो कि अपने आप में बड़ी बात है। और इस गाने का एक नया रिकॉर्ड भी बनाता है, जो कि हमने आपको बताया कि इस गाने को एक दिन में ही 602K से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। हालांकि इस गाने को कई लोगों ने डिसलाइक भी किया है, लेकिन जो लाइक करने वाले हैं उनकी संख्या ज्यादा है। और इसी से शहनाज और टोनी कक्कड़ पर फिल्माया गया कुर्ता पजामा काला काला सॉन्ग सुपर डुपर हिट हो गया है। और शहनाज ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो अब हिट की गारंटी बन चुकी है। जी हाँ, पंजाब की कैटरीना अब से पंजाब की कैटरीना नहीं रही है, वो बॉलीवुड के साथ साथ पंजाब इंडस्ट्री में भी सुपर डुपर हिट हो रही है। और ये गाना इस बात का सबूत है। आप भी हमें कमेंट में बताएं कि आपको शहनाज और टोनी का नंबर 1 ट्रेंडिंग पर चल रहा गाना कुर्ता पजामा कैसा लगा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।